वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इस नए ऑर्डर के बारे में जो मैंने अमेजन से ऑर्डर किया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एक DSLR बैग है, कैमरा बैग इसे आप कह सकते हैं। तो मोस्टली अभी जब भी आप जाएंगे अमेजन में आप ऑर्डर करने के लिए एक कैमरा बैग, तो आपको अमेजन बेसिक का मिलेगा, लोप्रो का मिलेगा जो थोड़ा कॉस्टली होता है, और उसके बाद एक और ब्रांड है जिसका मैं नाम शायद भूल रहा हूँ। आपको 2000 के अंदर में उस लगभग एक बजट आपको बढ़िया वाला बैग मिल जाएगा। उसके अलावा और भी कुछ कम दाम वाले बैग भी आते हैं, लेकिन 700-800 के रहेंगे, लेकिन वो उसका साइज़ छोटा होता है, तो आप उसमें कॉस्टली अपने कैमरेज अगर नहीं रख सकते, आपका कैमरा 2 लाख का 3 लाख का है, तो आप उसमें नहीं रख सकते। या फिर आप चाहेंगे कि मुझे कम दाम में एक बढ़िया कैमरा बैग की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं कहीं पर भी लेके जाऊँ और जो एक प्रोफेशनल बैग की तरह लगे, ऐसा छोटा सा बैग, एकदम से कॉम्पैक्ट वाला भी नहीं हो, ताकि उसमें आप फिल्टर, यूवी फिल्टर, पोलराइजर, लैपटॉप भी आप डाल सकें। वैसे एक किट बैग की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने अमेजन में देखा तो मुझे 2-3 ऑप्शन ही मिले। एक तो हो गया अमेजन बेसिक का, और एक जिसका मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, और एक लोप्रो का है जो कॉस्टली आता है। तो वैसे लोग चाहते हैं कि जब भी मैं अपने जो कैमरा का ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़ मैं निकॉन यूज़ करता हूँ या फिर कोई कैनन यूज़ करता, तो उसी के नाम का वो बैग लेना चाहता है, वो किट बैग लेना चाहता है उसी का नाम पर जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो वैसे आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट में शायद नहीं मिलेगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हुई जब अमेजन का सेल चल रहा था, तो उस समय मुझे एक निकॉन का किट बैग वहाँ पे सेल होता हुआ दिखा। तो मोस्टली निकॉन का किट बैग सेल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने शायद निकॉन का ब्रांड, उसमें निकॉन का स्टिकर लगा हुआ था, और उन्होंने शायद उन लोगों ने शायद खुद से मैन्युफैक्चर किया होगा, या फिर बैग के ऊपर वो सिर्फ निकॉन का स्टिकर लगा कर सेल कर रहे हैं। जो भी हो, मुझे वो बैग अच्छा लगा क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ही बढ़िया था। वैसे उस टाइप का बैग आपको 2000 के नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन वो बैग मुझे मिला था निकॉन के स्टिकर के साथ में, और निकॉन का ब्रांडेड बैग की तरह ही दिख रहा था, और रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। तो मैंने विदाउट टाइम वेस्ट किए वो बैग खरीद लिया, जो सिर्फ 1100 रुपये में मिल रहा था, 1100 में मुझे मिला। तो ये बैग अभी मेरे सामने है, मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग करूँगा। मुझे पता नहीं इसके अंदर मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है, कैसी क्वालिटी है, मुझे इसके अंदर कोई पता नहीं, क्योंकि जो प्राइस है इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसा होप करता हूँ कि शायद ये अच्छा हो। तो मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कैसा बैग मिला है, क्या आपको भी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत बैग लग रहा है, निकॉन की ब्रांडिंग भी है, और ऐसे बैग अगर आप लेना चाहें अमेजोन में तो अराउंड 5000-6000 के नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें निकॉन का इसमें ब्रांडेड स्टिकर्स हैं, लोगोज़ हैं। तो मुझे पता नहीं ये बैग कैसे सेल हो रहा है अमेजोन में, पर जो भी हो, जैसे मैं निकॉन के सारे गैजेट्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास मोस्टली निकॉन के कैमरा से, तो मुझे एक बैग मिला 1100 रुपीज़ में निकॉन का, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ मेमोज वगैरह आते हैं, इसको बरेली के उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर करके वहाँ से सेल किया जा रहा है। तो ये ब्रांड फैक्ट्री स्टोर है, निकॉन के यहाँ पे सेल किया जाता है, लेकिन मुझे मिला है 1100 रुपये में। ये तो ये डील बहुत ही अच्छी डील है। देख पा रहे इसमें निकॉन की ब्रांडिंग भी है, और काफ़ी सब पीछे भी निकॉन की ब्रांडिंग दिख रही है। तो जहाँ तक मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, तो ये ऊपर से देखने में ही बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। ये दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है, 1100 का, तो ये बैग आपको किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि ये कम से कम भी हो तो ये 2000 का बैग होना चाहिए, क्योंकि ये DSLR का बैग है, और DSLR का बैग का प्राइस हाई रहता है। अगर लैपटॉप का बैग होता तो 1000 में ये ठीक ठाक था, लेकिन ये 1100 में DSLR का बैग है, और जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो ऊपर का बैग मिलेगा, यहाँ पर आपको लैपटॉप रखने के लिए दिया गया, उसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं। उसके बाद साइड में आपको वाटर बॉटल के लिए दिया गया है, दोनों तरफ कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो मेन
फिर मैं खोलता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको रेन कवर भी दिया गया। तो रेन कवर का ये होता है कि आप इसे निकाल कर आप इसे बैग को कवर कर सकते हैं। तो 1100 में ये सब कुछ, ये तो शायद एक ऐसा डील था कि अगर मुझे फिर से मिले तो मैं फिर से खरीदूँ, क्योंकि इतने प्राइस में ये बैग आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी, चाहे वो कोई फेस्टिव डील में भी हो या फिर या डिस्काउंटेड प्राइस में हो, तो ऐसा बैग आपको नहीं मिलने वाला। ऊपर से आपको यूवी फिल्टर के लिए अलग से दिया गया है, आप देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सब रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ लेंस रखने का आपके पास ऑप्शन दिया गया, और सबसे सामने वाला जो यहाँ है बहुत सारा स्पेस है इस बैग में, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है कि इसमें स्पेस कम हो, जैसे कि आप छोटे वाले बैग लेते जो 700 या 800 के आसपास आता है, उसमें इतना स्पेस नहीं मिलता, उसमें सिर्फ आपको ये वाला कंपार्टमेंट मिलेगा और बस इतने का ही बैग रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लैपटॉप के अलग से ऑप्शन है, फिल्टर्स के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा गया है, फिल्टर्स के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सेसरीज आप डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह, कार्ड रीडर, हार्ड ड्राइव, बहुत सारी चीज़ आप कैरी कर सकते हैं, चार्जर्स वगैरह यहाँ पे आप डाल के आप कैरी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बैग है जो 2000 के आसपास में मिल जाए तो भी आप लोग खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लैपटॉप, एक फुल साइज लैपटॉप के अलावा आप इसमें एक फ्लैश गन रख सकते हैं, एक फुल फ्रेम कैमरा रख सकते हैं, 70-200 वाले बड़े लेंस को आप रख सकते हैं, और उसके अलावा आप ट्रिगर रख सकते हैं, और 150mm के लिए भी स्पेस दिया गया वो भी रख सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर फिल्टर वगैरह रखना है तो आप फिल्टर वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेंस को क्लीन करने के लिए कुछ चाहिए वो भी डाल सकते हैं, SSD मेमोरी कार्ड्स वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी आपके पास स्पेस है, जहाँ पे आप कुछ नोट्स करने के लिए, कुछ नोट डाउन करने के लिए भी रख सकते हैं, और भी तो स्पेस यहाँ पे फुल है। तो बैग ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे पास एक ब्रांडेड बैग हो, या फिर उनके पास निकॉन का या फिर कैनन का कैमरा हो। जिन लोगों के पास निकॉन और कैनन का कैमरा है और वो चाहते हैं कि मुझे उसी ब्रांड का एक बैग चाहिए, तो वैसे ये अवेलेबल नहीं मिलता है, लेकिन अगर जब भी आपको मिले 1000 या 1500 के अंदर में, तो आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि जो भी इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कितना पे कर रहे हैं उससे आपको बेटर ही मिलेगा। ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है, ना ही मुझे भेजा गया है, मैं जितना भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ अपने लिए खरीदता हूँ, और बहुत सोच समझ के रिव्यू कर देखने के बाद मैं खरीदता हूँ। तो जब भी मेरे पास आता है मैं चाहता हूँ एक बार आपको रिव्यू करके बता दूँ, ताकि शायद आप लोग का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे बैग खरीदने के चक्कर में थक जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो साइज़ का पता ही नहीं चलता, वो 700 रुपये का बैग समझ के खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो पास आता तो उसे वो लगता है कि छोटा बैग है, ये इससे काम नहीं हो पाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आपके पास एक बैग आपको अमेजन मिले जिसमें लैपटॉप रखने का जगह हो कैमरे के साथ में, तो वो बैग बड़े साइज़ का ही होगा, और सिर्फ कैमरे रखने का ही कंपार्टमेंट है तो वो बैग छोटे साइज़ का होगा। तो ये बैग वैसे बड़ा है और इसमें सारे चीज़ें आपके सेफली आ जाते हैं, और बहुत सारा स्पेस भी बच जाता है। तो मुझे लगता है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं अगर ये अवेलेबल हुआ, क्योंकि जिस टाइम में मैं खरीद रहा था 2-3 स्टॉक में थे और साथ ही साथ वो सेल हो गए थे। तो मेरे चैनल को देखने धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।